नमस्कार, खास खबरों के साथ मैं हूं राज भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी अदालत न्यूज की खास खबर। भिंड जिले के लहार क्षेत्र में लहार जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत बीआरसी पी के दिवालिया जी के नेतृत्व में रावतपुरा के टोला गांव में पात्र 17 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अमृत प्रताप सिंह पहुंचे। इस संबंध में बीआरसी अधिकारी पी के देवालिया जी ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 6वीं एवं 9वीं में पढ़ने वाली पात्र छात्राओं को साइकिल वितरण योजना है जो महत्वपूर्ण हितग्राही योजना है जी। इसमें हमारे जो कक्षा 6वीं में और 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों को प्रथम बार प्रवेश लेने पर साइकिल प्रदान की जाती है शासन की ओर से जी। और ये शासन की ओर से पहले तो 2400 रुपये केवल कन्याओं को दिया जाता था, लेकिन अब इसमें बच्चों को भी शामिल किया गया है और शासन स्तर से ही साइकिलें उपलब्ध करा करके वो वितरित की जाती है जी। तो ये साइकिल वितरण के तहत हमारे यहाँ जो पात्र हितग्राही थे वो लगभग 156 बच्चे थे, जिसमें 219 साइकिलें हमारे पास प्राप्त हुई हैं और शासन के द्वारा, और एक जो 219 हुई हैं उनमें हमारे कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनका नाम राजस्वग्राम में है दर्ज, लेकिन वो वास्तव में किसी मजरे टोला के रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में वो पात्रता की श्रेणी में तो आते हैं लेकिन साइकिल के लिए पात्र नहीं देते। तो मेरे द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया था कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पात्रता में आते हुए भी पात्र नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें 219 साइकिलें हमारे प्रस्ताव पर प्राप्त हुई हैं और अभी तक हम 148 बच्चों को साइकिल वितरण कर चुके हैं। ये महत्वपूर्ण हितग्राही योजना है, इससे अगर गांव में बच्चा रह रहा है तो वो गांव का बच्चा मिडिल स्कूल में जाकर के किसी अन्य स्थान पर जाकर के पढ़ सके और सुलभता से पहुंच सके, आसानी से विद्यालय में जाकर के अध्ययन कर सके, तो उसको जो है ये साइकिल वितरण की योजना के तहत शामिल किया गया है। इसमें मूलतः ये है कि अगर कोई राजस्वग्राम है, वो बच्चा राजस्वग्राम का है और वहीं पर मिडिल स्कूल है तो वो पात्रता में नहीं आता, लेकिन कोई मजरा टोला या वो गांव जहां मिडिल स्कूल नहीं है तो वहां का बच्चा अगर कहीं जाता है मिडिल में पढ़ने के लिए तो 1 किलोमीटर का दायरा हो, 1.5 किलोमीटर का दायरा हो, तो ऐसी स्थिति में उसको साइकिल की पात्रता रहती है। और यहाँ गाँव के रहें जो रावतपुरा मंदिर के पास में टोला ग्राम है, वहाँ के 17 बच्चे जो पात्र थे उनको साइकिलें प्रदान कर दी गई हैं। एक बच्चा ऐसा है जो अपात्रता में आ रहा है, जिसे ऑफलाइन साइकिल कुछ समय में ही हमारे यहाँ से प्रदत्त की जाएगी। दबो में देखा जाए तो कितनी साइकिलों में पहुँच चुकी है? दबो में 6 साइकिलें के बच्चे पात्र पाए गए थे जो अन्यत्र गांवों से दबो के स्कूलों में प्राइमरी जो अन्य गाँव में प्राइमरी में पढ़ रहे थे वो दबो में अब अध्ययन कर रहे हैं बालक में, तो बालक में 5 साइकिलें गई हैं और 1 कन्याशाला में साइकिल प्राप्त हुई है। इस प्रकार से दबो 6 गई। जी, आज जो आज आपने साइकिल वितरण में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? लहार बीआरसी महोदय दिवालिया जी के द्वारा मुझे आज आमंत्रण प्राप्त हुआ था, जिसमें स्कूल चले अभियान के तहत बच्चियों को और बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए जो शासन की योजना है, जिससे वो दूर दराज के बच्चे आसानी से साधन साइकिल के माध्यम से अपने शिक्षा को प्राप्त कर सकें, उस योजना के लिए जो साइकिल वितरण का आज उत्सव था, जो कार्यक्रम था, उसमें मुझे बुलाया गया था, तो मैं उसी योजना से संबंधित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब चूँकि ग्रामीण भारत का परिवेश है लहार में, तो यहाँ के बच्चों को प्रोत्साहन मिले, शिक्षा के प्रति उत्साहित रहें और पढ़ लिख के एक अपने जीवन के लिए एक नया आयाम और नई। अमृत प्रताप सिंह जी, आपके विधानसभा क्षेत्र से दबो की एक बेटी ने जो है न्यायाधीश बनी है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मैं चाहूँगा कि रोज़ ऐसे अवसर लहार को मिलें, रोज़ ऐसे बच्चे लहार से निकलें और लहार का नाम रोशन करें। ऐसे बच्चों से इससे पहले भी एक लहार के छिदी ग्राम की एक बिटिया थी जिसका डीएसपी के पद पर चयन हुआ था पीएससी के माध्यम से, तो मैं ऐसे बच्चों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। साथ में चाहता हूँ कि वो लोग जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके बीच में पहुँच के उन लोगों को प्रोत्साहित करें, जिससे वो भी एक अच्छे कैरियर की तरफ मुड़ सकें। और जो भिंड क्षेत्र का जो एक दाग लगा हुआ है गुंडागर्दी लूट खसोट और
जिस तरीके से लोग भिंड के नाम से डरते हैं, वो दाग मिटाने में हम सब मिलकर सहयोग करें। धन्यवाद।